दादा जी महाराज की जय। आज मैं आपको नवीन प्रकाशन की बुक से 7C एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 टीच करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है cos 4x इंटू cos 2x। देखिए 2 से मैंने यहाँ डिवाइड किया और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये 2 cos 4x इंटू cos 2x हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 cos a cos b। कैसे? 2 cos a cos b फॉर्मूला होता है cos a plus b 2 cos a cos b जो होता है वो cos a plus b plus cos आपका होता है a minus b। आई ओके, इस फॉर्मूले का मैं यहां पर यूज करूंगा। टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी डी एक्स। 4 में 2 ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कॉस 6 है। यहाँ से देखिए 4 प्लस 2 आपका 6 हो गया, 4 माइनस 2 आपका 2 हो गया। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो इफेक्ट क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए ध्यान से ध्यान दीजिए। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, बट 1/6 आ जाएगा क्योंकि 6 x को इंटीग्रेट करेंगे। cos x का sin 2x जरूर होगा बट 1/2 और आएगा n प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 13, ये 14 का यहां पर फर्स्ट पार्ट है, ये 14 का फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए यहां पर जो फॉर्मूला बनना है 2 cos a sin b, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 cos a और क्या होता है sin b। 2 cos a sin b, 2 cos a sin b आपका क्या होगा, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन आपका होगा ए माइनस। 2 cos a sin b का मतलब साइन ए प्लस बी और आपका हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला आपका यहां पर अप्लाई हो रहा है। तो देखिए 2 cos a sin b तो क्या अप्लाई होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन आपका ए माइनस बी। इसको ऐड करते हैं साइन 7x देखिए, अब इसमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1/2 आपका अपनी प्लेस पर है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स बट 1/7 आवर। देखिए जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो अगेन करने पे 7 इंटू भी आता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है तो 1/ में आएगा, इस बात को याद रखिएगा। माइनस माइनस प्लस 1/3 प्लस। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का फर्स्ट पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लें। फोर्टीन का सेकेंड पार्ट आपका है साइन 4x अपान साइन h, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। देखिए जब साइन 2x होता है तो यहाँ ओनली x होता है, कहने का मतलब यहाँ 2x तो यहाँ 1 होगा, यानी हाफ हो जाता है। अब अगर साइन 4x है और इसको ब्रेक करना है तो 2 साइन ब्रेक होगा ये 2x और इंटू कॉस 2x, एंगल जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो टू विनोड और सिचुएशन पे ध्यान दें, साइन 4x को
टू साइन टू एक्स और इंटू कॉस टू एक्स में ब्रेक हो जाएगा। अपन ने साइन एक्स आपका ऑलरेडी है अभी, ओके, टू इंटू ये जो आप साइन टू एक्स देख रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू ये आपका हो गया कॉस टू एक्स, अपान में आपका है साइन एक्स। देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया तो ये आपका टू इंटू टू कॉस टू एक्स इंटू आपका हो गया कॉस एक्स डी एक्स। इस टू को मैंने बाहर कर लिया है, इसमें टू कॉस ए कॉस बी लगा दी, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है टू कॉस ए कॉस बी जो आपका होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस आपका होगा ए माइनस बी एन डी एक्स। आर यू ओके? टू कॉस ए कॉस बी आपका होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस आपका ए माइनस बी, सो नो डाउट टू आपका बाहर है cos 3x अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, cos x का हो जाएगा sin x बट 1 by 3 आएगा, ये cos x का आपका हो गया sin x n plus c। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सेकेंड पार्ट था, 14 का सेकेंड पार्ट। अब 14 के सेकेंड पार्ट के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीनशॉट ले ले भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, वन अंडर रूट में वन प्लस आपका साइन एक्स है तो सो नो डाउट ये जो आप वन देख रहे हैं वन के प्लेस पर मैंने लिखा यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर आपका एक्स बाई टू। साइन एक्स का मतलब है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था साइन टू का 2 साइन इंटू कॉस ए, अगर ओनली साइन होगा तो एंगल हाफ हो जाएगा यानी ए बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर एक्स है तो 100% आपका एक्स बाई टू हो जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया अब स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये क्वेश्चन आपका 16 का फर्स्ट पार्ट है, अभी इसका एक पार्ट और है तब 16 कंप्लीट होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स बट टू और आ जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स एन प्लस सी। आर यू ओके? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट, ध्यान दें कॉस के आगे कभी भी प्लस होता है तो फॉर्मूला टूटता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या टू एक्स इसलिए हो रहा है फोर एक्स है, कॉट को आपने कॉस अपॉन साइन 10 को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया, नीचे एलसीएम ले लिया मैंने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इसमें करेंगे तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर 1 से 1 कैंसिल तो 2 कॉस स्क्वायर 2x एंड dx, ये sin x इंटू cos x से ये आपका ऊपर ट्रेवल करेगा तो 2 sin x इंटू cos x इंटू आपका cos स्क्वायर 2x। अब ये फॉर्मूला भी आपका cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x का है, सो वी नो डाउट इससे ये पावर चली गई तो हमारे पास क्या बचा 2 sin इंटू cos ही साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स एन डी एक्स, सो वी नो डाउट मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, 2 साइन टू एक्स
कॉस 2x, ये फॉर्मूला हो गया साइन 4x का। ये देखिए अभी यहां मैंने बताया था ये फॉर्मूला हो गया साइन 4x का, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का होता है माफ कीजिएगा माइनस कॉस एक्स, बट 1/4 और आएगा तो माइनस का 1/8 और इंटीग्रेशन क्या हो गया कॉस 4x एन प्लस सी। तो इस तरह से देखा आपने क्वेश्चन नंबर 16 के दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हुए। अब 16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ए की पावर एक्स डीएक्स जो होता है वो ए की पावर एक्स प्लस सी होता है, समझिए। तो यहां पावर ओनली एक्स होनी चाहिए, सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, इस कॉल इंटीग्रेशन जनरेटेड बाय पी स्क्वायर। अगर ओनली ए की पावर एक्स है तो सिंगल होगा, बट यहां पर देखिए 4-3x है या 2x+5 है, तो 100% ए की पावर में जो भी आपका है उसको आपको टी लेट करना होगा, उसे आपको क्या लेट करना होगा, टी लेट करना होगा। टी लेट करने के बाद में इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे और इसे सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट बनाएंगे। तो लेट फाइव का जीरो एक्स का वन, तो 2dx ठीक है, क्या हो गया 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करते तो देखिए क्या इफेक्ट होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, यहाँ t हो जाएगा और फिर t की वैल्यू 2x-5 थी, इसको मैंने यहाँ रखा m प्लस सी। ओके सिमिलरली यहां पर 4- इसको मैंने टी लेट किया, 4 का डिफरेंशिएशन 0 एक्स का 1, तो -3 dx इक्वल टू dt, तो ये dx इक्वल आपका हो जाएगा -1/3 dt। तो सो नो डाउट यहां पर आपका आ गया -1/3 और ये e की पावर t dt, आर यू ओके। तो यहां से -1/3 e की पावर t का इंटीग्रेशन जो होता है ओनली आपका e की पावर t होगा, तो -1/3 e की पावर t, t के प्लेस पर आप इसको रख देंगे n प्लस। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 और 18, जल्दी से स्क्रीनशॉट को ले लें, मैं रुका हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है 1+x x^2 अपॉन x^2 1+x। देखिए इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं 1+x/(x^2)(1+x)dx, x^2 के साथ मैं इसको और अलग करता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर इससे ये कैंसिल हो गया है और यहां x^2 से x^2 1/x^2 dx और ये 1/x^2 का इंटीग्रेशन -1/x होता है और 1/x का होता है log x+1 c। आर यू ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका 5a^(x)(6a cos)(5x+1) है। सो नो डाउट देखिए 5 अपने प्लेस पर है a^(x) का, a^(x) अपॉन आपका log a बेस में b, 6a आपका ऐसे ही रहेगा, cos x का होता है sin x। अब देखिए इसका 5x है तो 1/5 आ जाएगा n प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, देखिए यहाँ पर x माइनस टू है और sec का फॉर्मूला बनाना है, तो अंदर मैंने क्या किया, x की पावर 2 माइनस 4x है प्लस 4 किया और माइनस 1, इस 3 को मैंने 4 माइनस 1 रिटर्न किया। ऐसा करने पे ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, इस चीज पर फोकस करें। अगर आप गौर से यहाँ पर ध्यान दें तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, फिर आपका ये 1 बचेगा। तो एक फॉर्मूला आपने, अगर आपको याद हो, x अंडर रूट होता था x स्क्वायर माइनस 1 dx, जो एक्चुअल में होता है sec इनवर्स है, x x स्क्वायर माइनस 1 1 अपान में है, तो ये फॉर्मूला होता है sec इनवर्स x का, किसका होता है sec इनवर्स x का, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। ये आपका हो गया sec इनवर्स x n प्लस c। क्वेश्चन नंबर 21, दो क्वेश्चन और बचे यहां पर, 22 और 23, आर यू ओके। क्वेश्चन नंबर 23, 1 अपॉन 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैंने 3x माइनस 2 को यहां t लिख दिया, तो dx इक्वल 1 अपॉन 3 dt आ गया। अब मैं आपको बताऊं, आपको लर्न नहीं होगा, अच्छे फॉर्मूला बहुत बोलते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, dx जो होता है ये क्या होता है आपका साइन इनवर्स x, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो सिंगल वेरिएशन होता है, इसलिए सिंगल बनाने के लिए मैंने इसको t लिख दिया। 3x माइनस 2 को यहाँ पर 3x माइनस 2 को मैंने t लिख दिया, ठीक है। अगर t लेट कर ले तो 1 माइनस t स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ठीक, तो ये इसको फॉलो कर रहा है। अब dx इक्वल हो जाएगा 1/3 dt, तो ये आपका बन गया सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट, ये फॉर्मूला आपका ये साइन इनवर्स t का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 23, ये 7C एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा सम्स है। ये क्वेश्चन आपका है, f'1 इक्वल 4y3 गिवन है, f1 इक्वल टू है 4y3 ये गिवन है आपको, एंड f डैश x इक्वल गिवेन है 1 अपॉन x और प्लस x की पावर 2। अब यहां पर हमको fx फाइंड करना है, समझिए f1 आपका गिवेन है 4/3, f डैश x आपका ये गिवेन है, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो fx है, हमें fx को फाइंड करना है। तो देखिए बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दें, तो f'x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये fx फाइंड होता है, ये 1 अपॉन x का आपका log x हो गया और ये x क्यूब बाई 3 x प्लस क्या हो गया c। अब जरा गौर से देखिए, इसको मैंने बढ़ डाला, अब f1 put x equal 1, put x equal 1, तो ये f1 हो जाएगा और यहां पर लगते ही log 1 हो जाएगा, log 1 1 upon 3 n plus f1 की जो वैल्यू है ऑलरेडी यहां पर गिवन है, देखिए 4/3, log 1 0 हो गया तो c का क्या फाइंड होगा, 4/3 c इक्वल 1। अब इस c इक्वल 1 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, पुट c इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो हमें एपेक्स फाइंड करना था, तो एपेक्स इक्वल आपका क्या आ गया, यहाँ पे सी पर बन रखी लॉग एक्स ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। तो आपने देखा कि 7C आज यहाँ पर फिनिश हुई। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं 7D एक्सरसाइज करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।